हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे ही आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ ताज़ा ताज़ा मैंगो से बनने वाली ताज़ा ताज़ा डिलीशियस मैंगो की रेसिपी। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है आज का फ्रेंड्स, बच्चों से लेकर बड़े खाएंगे ना, बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, गिरिसल्ले किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वो भी फ्री में। तो चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आंव लिया है, बिल्कुल मीठा वाला आंव है, बिल्कुल फ्रेश आंव है। तो इसको पहले मैं काट कर इसका जो गुदा वगैरह है उसको सारे निकाल देना है। देखिए आंव में कितना शाइन आ रहा है, किस तरह से चमक रहा है। इस तरह का मीठा आंव लीजिए, अभी तो मार्केट में बहुत ही आसान से आंव मिल जाता है। जब भी आपको काटे इस तरीके से काटे, इस तरीके से काटेंगे तो ये निकालने में काफ़ी आसानी होगी। ये देखिए इस तरीके से इसको कट लगाना है। ये देखिए इस तरीके से कट लगाने से ये काफ़ी आसानी से निकल जाता है। तो चलिए मिक्सी में इसको डालकर अच्छी तरह से पीस लेना है, बिल्कुल भी इसमें रेशियो नहीं रहना चाहिए। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच शुगर। आप थोड़ा ज़्यादा ही मीठा है तो उसी हिसाब से मैं 2 चम्मच शुगर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें और भी शुगर डाल सकते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से पीस लिया है, ये देखिए बिल्कुल भी रेशियो नहीं है, बहुत ही बढ़िया फाइन हुआ है। तो इसको मैं अभी दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो आपने यहाँ पर देखा मैंगो बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस चुका है, इसमें रेशियो वगैरह जो छोटा छोटा धागा होता ना मैंगो में वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसमें डालना है 4 से 5 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम। ये डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स को, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ केला को, थोड़ा सा सेब भी ऐड करना है इसमें, और थोड़ा सा आंप को भी डालना है, और लास्ट में मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा अनार का दाना। इसमें आप अपने पसंद का और भी फ्रूट्स डालकर बना सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलिए फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अमेजिंग बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो यहाँ पर आपने देखा ना, गैस लगाने का झंझट ना पकाने का झंझट, बस फटाफट फ्रूट्स को डाली और फटाफट इस रेसिपी को बनाएं। तो आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आऊँगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।